यमुना का उद्गम स्थान हिमालय के हिमाच्छादित श्रृंग बंदरपुच में स्थित कालिंद पर्वत है। इसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी भी कहा जाता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिममंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्री पर्वत से प्रकट होती है। इस स्थान की ऊंचाई 20,731 फुट है। वहां इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचते हैं। यमुनोत्री पर्वत से निकलकर ये नदी अनेक पहाड़ी दरों और घाटियों में प्रवाहित होती है। ये अपने उद्गम से लगभग 95 मील दूर सहारनपुर जिले के फैजाबाद ग्राम के समीप मैदान में आ जाती है। उस समय इसके तट तक की ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग 1,276 फुट रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं। वहाँ यमुना इसकी जननी मानी जाती है। इस प्रकार ये सच्चे अर्थों में ब्रजवासियों की माता है, अतः ब्रज में इसे यमुना मैया कहते हैं। ब्रह्म पुराण में यमुना के आध्यात्मिक स्वरूप का स्पष्टीकरण दिया है। गर्ग संहिता में यमुना के पंचांग, पटल, पद्धति, कव्य, स्त्रोत और सहस्त्र नाम का उल्लेख है। यमुना नदी उत्तरी सहारनपुर के मैदानी इलाके से आगे बढ़ती हुई दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दिल्ली के निकट नदी में इसकी अधिकतम गहराई 68 फुट जबकि आगरा में 3 फुट तक है। मैदान में आते ही इससे पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी नहर निकाली जाती है। ये दोनों नहरें यमुना से पानी लेकर इस भूभाग की सैकड़ों मील धरती को हरा भरा और उपज संपन्न बना देती हैं। इस तरह हम देखते हैं यमुना से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। भारतवर्ष में हजारों लाखों टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। इस भूभाग में यमुना की धारा के दोनों ओर पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े नगरों की सीमाएं हैं, किंतु इसके ठीक तट पर बसा हुआ सबसे प्राचीन और पहला नगर दिल्ली है। दिल्ली के लाखों नर नारियों की आवश्यकता की पूर्ति का सौगात देती है। साथ ही वहां की गंदगी को बहाती हुई ये ओखला नामक स्थान पर पहुंचती है। यहां पर इस पर एक बड़ा बांध बांधा गया है, जिससे नदी की धारा पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई है। इसी बांध से आगरा नहर निकलती है, जो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सैकड़ों मील भूमि को सिंचित करती है। जैसे यमुना में अगर आप जाइए, यमुना यहाँ पर मयूर विहार की तरफ, नोएडा की तरफ, कालंदी कुंज की तरफ, तो बहुत आपको खेत भी नजर आएंगे इस फ्लड प्लेन में। उसी पानी को, प्रदूषित पानी को जो है किसान भी प्रयोग कर रहे हैं। अब जो पानी पहले से ही इतना ज़्यादा प्रदूषित है और उसी को अगर हम खेत में सब्जी वगैरह उगाने, जो कि मुख्य डिमांड होती है किसी भी शहर की, और ये पेरिशेबल आइटम भी है, अगर दूर से लाया जाए तो ख़राब भी हो जाता है, इसलिए किसान भी जो है लाभ के लिए वहाँ पर उगाते हैं सब्जियों को, वही अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में भी वही प्रदूषण जाता है। तो इसके लिए कोई ना कोई हमें एक बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, एक अवेयरनेस समाज में क्रिएट करनी पड़ेगी। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ की जाती है। यमुना नदी से हमें मिलती है ये सौगाते, पेयजल का मुख्य स्रोत। आदिकाल से नदियां लोगों की जलापूर्ति करती आई हैं। यमुना नदी अपने किनारों और उसके आसपास रहने वाले लोगों को जीने के लिए सबसे जरूरी पेयजल प्रदान करती है। यमुना के किनारे बसने वाले अनेक औद्योगिक नगरी हैं। इससे न केवल लोगों को रोजी रोटी नसीब हुई, बल्कि सामाजिक विकास हुआ, साथ ही अनेक नगर बसे। यमुना से केवल लोगों के पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हुई, बल्कि इसके जल का उपयोग विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। ये उत्तर भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके तट और दूरदराज इलाकों में फैले खेतों से पैदा होने वाली फसलों से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य संपन्नता का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम देखते हैं कि यमुना नदी से निकले कैनालों से सुदूर गांव और शहरों का कायाकल्प हुआ है। हमारे पशुओं के भरण पोषण में भी इसका योगदान है। नदी उद्योग।
प्राचीन काल से उद्योगों के विकास में नदियों का महत्व रहा है। हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी पर अनेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इसके बिना औद्योगिक विकास के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और देखते हैं किस तरह यमुना नदी यमुनोत्री से अपना सफर शुरू करते हुए आगे बढ़ती जाती है और साथ ही अपने तट पर बसे लाखों करोड़ों किसानों और उद्योगों को अपनी जीवनदायिनी जल से पोषित करती है और इस दौरान प्रदूषित भी होती जाती है। पौराणिक मान्यताओं में जिस नदी में आचमन मात्र कर लेने से सारे पाप धुल जाने का उल्लेख है, अब उस नदी की गंदगी को धोने की आवश्यकता है। यमुना से गुजरते हुए अथवा अपने घरों में पूजा करने के बाद फालतू हो चुके पूजन सामग्री, फूल और अन्य कचरे को हम उसकी तरफ उछाल देते हैं। यमुना को पैसों या अंधश्रद्धा की जरूरत नहीं, उसे स्वच्छ रखने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ये तो आपको सोचने पर अंदाजा लगेगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि नदी के साथ क्या हुआ, वो नदी जिसको हम पूजा करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, हम हर उस चीज़ का पूजा या सम्मान करने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन में सहायक होती है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो पानी हो, नदी हो, तो सम्मान पूजा के रूप में जो सम्मान करते हैं उससे हमारे शायद पुरखों ने ये सोचा होगा कि हम इसकी पूजा करेंगे तो इसको बचा के रखेंगे। ये नहीं कि हम पूजा के नाम पर उसको मिटाने पर उसके विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो पुराने लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो प्रथाएं चलाई थी, उनका प्रथाओं के पीछे हमें उनको सिर्फ शब्द में या अर्थ में या एक कार्यक्रम के रूप में आयोजन के तौर से अगर हम सोचेंगे तो शायद ये हमारी मूर्खता होगी। उसके पीछे छिपे हुए भाव को हमें समझना होगा। भाव था कि हमें इन चीज़ों का सम्मान करना है, हमें इन्हें बचा के रखना है, क्योंकि वो भी इसी की वजह से बचे थे। अगर वो इनका सम्मान ना करते, सम्मान किसी भी तरह का हो सकता है कि ताकि उसका किसी भी तरीके से अगर आप किसी की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, तो कम से कम अपने पूज्य स्थल पर या जिसका सम्मान करते हैं उसका अपमान तो नहीं करेंगे अपना वेस्ट डालकर। शायद इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की प्रथाएं रखी थी कि जिसमें अपने जल की पूजा करें या उनकी उनको सम्मान दें या वृक्षों की को सम्मान दें। ये हमने किया इसीलिए था, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। अब हम उनको सिर्फ सम्मान का एक आयोजन का, पंडाल का या इसका माध्यम बन के रह गया है। इसे देश और नदियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारी जीवनदायिनी नदियों का पानी अछूत होता जा रहा है। जब से मानव विकास की दौड़ में, अंधी दौड़ में आगे बढ़ता गया है, उसने अपने साथ साथ जो उत्सर्जन चीज़ें की जा रही हैं, जो वो वेस्ट जनरेट कर रहा है, वो चाहे हमारे आसपास फैला हुआ प्लास्टिक हो, चाहे हमारे आसपास निकलने वाला केमिकल हो, या और ऐसे उत्पाद हो जो कि हम अपने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो इसको हटाने का, अपने से पीछा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है उसको बहा दो, क्योंकि हमें उसमें कम से कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। हमने फेंका पानी में, पानी के बहाव के साथ, पानी के प्राकृतिक गुण के साथ, वो पानी के साथ बहता हुआ चला गया। हम जानते हैं कि वो दूर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? समुद्र में? कभी सोचा है कि जो कचरा जिससे हम बचना चाह रहे हैं उसमें समुद्र के जीवों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं सोचा है तो सोचिए, वो जीव जो जल में उस मुहाने पर रहते हैं जहाँ पर नदी का पानी आ रहा है, उस साफ स्वच्छ निर्मल जल में जिसमें आपने अपनी लालच के लिए उत्पन्न किए हुए जो केमिकल्स हैं उनको छोड़ दिया है, तो उस जीवन पे क्या असर पड़ेगा? यमुना नदी के पानी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नदी जल में अमोनिया की मात्रा इस हद तक बढ़ गई है कि उसे छूना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पानी में अमोनिया की मात्रा खतरे के स्तर को पार कर चुकी है। इस कारण फरवरी 2016 को दिल्ली के वजीराबाद और चंदावल जल शोधन संयंत्रों को 2 दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया था। दिल्ली क्षेत्र में यमुना में अमोनिया की मात्रा 1.12 पार्टिकल्स पर मिलियन यानी PPM तक पहुंच गई थी, जबकि पानी में अमोनिया की मात्रा 0 होनी चाहिए। यमुना दिल्ली में 25 किलोमीटर और आगरा में 10 किलोमीटर लंबे नालों में तब्दील हो चुकी है। अकेली दिल्ली में अनेक चेतावनी के बावजूद प्रतिदिन 3,296 मिलियन गैलन लीटर गंदा पानी और औद्योगिक अवशेष विभिन्न नालों से यमुना में उड़ेले जा रहे हैं। करीब 5,600 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनों से मलमूत्र बहाया जा रहा है। 17 स्थलों पर 30 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट क्रियाशील हैं, लेकिन उनके गंदे मल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करने की दक्षता संदिग्ध है। असल में किसी भी शहर का जो अस्तित्व है वो पानी के स्रोत पर निर्भर करता है। उसी प्रकार अगर हम भारत में भी देखें, जितने शहर हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी पानी के क्षेत्र के आसपास ही हैं।
और जो यमुना है वो दिल्ली का एक मुख्य जो है आप ये कह सकते हैं जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। और अगर आज भी विकास की दशा और दिशा देखी जाए कि यमुना की क्या स्थिति है, अगर आप वज़ीराबाद से शुरू हों और यहाँ कालंदी ब्रिज तक आएँ तो यमुना के रंग से ही एक सामान्य व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि कितना प्रदूषण में इजाफा हुआ है। ख़ासकर पिछले 20-25 सालों में जो मेरा अनुभव रहा है, एक तो तरीका ये है कि हम उसको मेज़र करें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा तरीका है कि अपनी आँखों से भी कोई देख सकता है कि वज़ीराबाद में जो यमुना है, जहाँ से यमुना हम कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए आ रही है, और फिर यहाँ पर जो यमुना है इस तरफ कालंदी कुंज की तरफ, तो दोनों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने में आ रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जितने भी औद्योगिक और उद्योग हैं वो इसी यमुना के सहारे ही बने हुए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, लेकिन वो मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि वो उसकी एफिशिएंसी है कि नहीं है, वो खाली कागज़ में है कि नहीं है, ये एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी उतना असर नहीं है। इसको ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाना चाहिए। एक तो उद्योग एक मुख्य कारण है, दूसरा यमुना के ही अलोंग यमुना के ही सहारे एक बहुत बड़ी बस्ती भी बसी हुई है, जिससे जो है पानी जो है नाले से होता हुआ बगैर किसी ट्रीटमेंट के फिल्ट्रेशन के यमुना में होता जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी सिमटती जा रही है। इसका असर हमारे सामान्य जनजीवन पर तो पड़ ही रहा है, जलीय जीव जंतु भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए, यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए सरकार भी कई कदम उठा रही है। आइए देखते हैं क्या है ये प्रयास। नदी जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण है औद्योगिक कचरा, जैसे पेपर मिल, गन्ना पेरने और चीनी मिल डिस्टिलरी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कल कारखानों तथा शहरी नालों के गंदे प्रवाह का नदियों में बिना शोधन के डाल दिया जाना है। इसे रोकना और शोधित करना बहुत आसान और सहज है। मई 2016 में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार 2017 योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत पहले चरण के लिए 1,969 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। करीब 2.5 वर्ष के प्रयास के बाद नमामि गंगे परियोजना के तहत पेयजल निगम को 662 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इस बजट से प्रदेश भर में 13 परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत नालों को टैप किया जाएगा। अभी कई स्थानों पर नालों का सीवर गंगा सहित अन्य नदियों में छोड़ दिया जाता है। जगह जगह बिछाई जा रही सीवर लाइन को तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उनसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन नालों की गंदगी रोकने का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। दिल्ली की अदालतें भी यमुना को निर्मल बनाने के लिए कई आदेश जारी कर चुकी हैं। इसके बावजूद सरकारी महकमों की सुस्ती के चलते दिल्ली, मथुरा तथा आगरा में जीवनदायिनी यमुना दम तोड़ रही है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना स्वच्छ नहीं हो सकी। यमुना की स्वच्छता के लिए योजनाएं भी कई बनी। इंटरसेप्टर सीवर लाइन का काम करीब 6 साल से चल रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली के वजीराबाद से ओखला के बीच यमुना सबसे ज्यादा मैली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वजीराबाद से ओखला के बीच 22 बड़े नालों का कचरा यमुना में गिर रहा है। कॉलोनियों का सीवर बिना शोधित किए नदी में गिराया जाता है। इसका बड़ा कारण ये है कि दिल्ली के करीब 50% इलाकों में सीवर नेटवर्क नहीं है। जल बोर्ड के सीवरेज शोधन संयंत्रों की क्षमता करीब 604 MGD है, लेकिन प्रतिदिन करीब 450 MGD सीवरेज शोधित हो पाता है। जल बोर्ड ने 1,962 करोड़ रुपए की लागत से इंटरसेप्टर सीवर लाइन का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू कराया था। अभी तक इसका एक पैकेज पूरा हुआ है, इसके 5 पैकेजों का काम अधूरा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए 1,600 करोड़ की योजनाएं तैयार की गई हैं। इससे ये उम्मीद तो जगी है कि यमुना स्वच्छ होगी, लेकिन योजनाओं पर अमल नहीं हो पाने से हर बार निराशा ही हाथ लगती है। आज भारत सरकार, नमामि गंगे परियोजना, राज्य सरकारें तथा सिंचाई व पर्यावरण विभाग की ये संयुक्त जिम्मेदारी बनती है।
की विधिक दर्जा प्राप्त इस पावन संस्था को बचाने के लिए, इसकी पवित्रता के लिए तथा अबाधित प्रवाह के लिए हर तरह से वरीयता के साथ उपाय अपनाए जाएं। इन नदियों पर जो भी बांध बने हुए हैं उसे दंडित करते हुए इसकी सफाई की जिम्मेदारी उसी पर निर्धारित की जाए। न्यायालय तथा अन्य कई स्वैच्छिक संगठन इसकी लगातार निगरानी करें, जनता को भी जागरूक किया जाए, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित कर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, तभी अंकुश लग सकता है। तो आज हमने जाना हमारे जीवन के लिए यमुना नदी का महत्व कितना व्यापक है, ये किस तरह प्रदूषित हो रही है और इसे साफ रखने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। यमुना नदी हमारे लिए किसी बहुमूल्य भेंट से कम नहीं, ये हमारी प्रकृति के लिए वरदान है, इसलिए हमारी भी यमुना नदी के प्रति जिम्मेदारी बनती है। तो आइए संकल्प ले यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने।